आज पता चल जाएगा कि ये मुझसे कितना प्यार करता है, प्यार करता है कि नहीं करता, और इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना तेज है, बड़ा अक्लमंद खुद को समझता है ना। आज से पता चलेगा जब मैं इससे एक दो सवाल पूछूंगी और ये उसका जवाब नहीं दे पाएगा। तो व्यूअर्स, आपने कहा था ना कि चैलेंज रखो चैलेंज रखो, तो आज मैं सिकंदर के साथ चैलेंज रख रही हूँ। मुझे पता है उसका दिमाग ये है ना खाली हो गया है, जब से मुझसे शादी किए। खैर, शादी से पहले भी ये खत्म ही था, अभी तो और खत्म हो गए। तो देखते हैं कि उसका दिमाग कितना तेज है। तो आज मैं उसको बुलाती हूँ और उसको किसी चीज का पता है जिसका नहीं, वो उससे क्वेश्चन पूछती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सिकंदर, सिकंदर, सर का दर्द बनी हुई 12 घंटे, जब देखो क्या हुआ। आइए, आपका इंतजार था। दादा और एक नहीं कर बोल, आज प्रूव दो मुझे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मेरे को किस कुत्ते ने काटा है जो तरह से मीन तुम्हें कुत्ता काटा तब मुझसे प्यार करते? नहीं, मैं कुत्ता नहीं काटा फिर प्यार करते? मैं पागल हूँ क्या? नहीं, तुम तो बड़े ज़हीन हो। मेरा प्यार है कोई और। अच्छा, अब ज्यादा बहस नहीं कर, बोल क्या बुलाया क्यों है, ज्यादा बहस नहीं कर। आज सुन, आज तुम्हें थोड़ा भी अक्ल है, दिमाग है? मेरे पास तो अक्ल नहीं है, तेरे पास है ना। तो मैंने शादी के दिन कौन सा जोड़ा पहना था? ये मेरे कपड़े हैं, इनमें से तुम मुझे वो जोड़ा निकाल के दो। और इन कपड़ों में ना वो ड्रेस टंगी पड़ी है जो मैंने शादी के दिन पहनी थी, जिस दिन मैं दुल्हन बनी थी, मनुष्य वाले दिन। अब तू ढूंढ के, मैं अपना मनुष्य वाला दिन अभी मुझे याद दिला रही है। आई नहीं, तू ढूंढ ना, ढूंढ के दे, मैं देखूं तुम्हारा दिमाग कितना है। यही होगा जो तूने पहना, ये असद का फुल सूट है। असद कहाँ से आ गया? ये तो शादी के बाद पैदा हुआ है। कौन सा पहना था? नहीं, ये तो अभी उस लुंडे से लिया था तूने। ये तुम्हारी बहन की शादी पे मैंने लिया था गल्फ से। ये टीन डब्बे वाले से लिया था तूने? टीन डब्बे वाले कपड़े भेजते हैं। ये मेरी भतीजी ने मुझे अभी गिफ्ट दिया है। जमा वास्ता के नाम पे मिला था ये, वो है। सही है, ये असद का है। ये असद का है तेरा ये वाइट जोड़ा? अब ये असद का है। अब तो यही होगा ना, यही होंगे ना इसमें, ये कोई होगा। ये दुपट्टे हैं मेरे, ये दुपट्टे हैं। इतना भी दिमाग नहीं कि मैं दुपट्टे से। इन तीनों में तो कोई ना कोई तो होगा। मैं वो देखो, ये नहीं है, ये वाला है ना। ये क्या टॉप है? ये पैंट शर्ट मैंने पहनी थी, ये सर की कोटी है। अरे ये पड़ा हुआ है चमकीला। हाँ, तुम गांव वाली हो जो ना, जो वो देखते जिसको चमक हो, सितारे हो, ये हो, वो है। ये अगले साल मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट दिया था, हैदराबाद वाली भाभी ने। पता नहीं तेरे को क्या है, बस सारे तो तुम्हें याद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कितने फालतू चीजें याद थोड़ी रखता हूँ। हाँ, ये चमकीला होगा फिर, ये जो तुम तो याद वाले ना बोलती, चमकीले चमक वाले कपड़े हो, यही होगा। ये नहीं था, ये मैंने खुद बनवाया है, गोल्ड मार्क से कपड़ा लिया था। ये तो वही है जो सब्जी वाले लेके घूमते हैं। ये सब्जी वाला है, 2-3 हजार के जोड़े हैं। हाँ, हैं तो पोचे देने के लायक ये। पोचे देने के, ब्रांडेड मेरी ड्रेस है। अरे ये रहा ना येलो वाला, अभी ये कल्चरल डे, कल्चरल डे तो पहले इसमें वीडियो बना, कल्चरल डे का पहला था। टक्कर मारू अभी, फिर यही एक बचा है मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल में नहीं, इन तीनों में से बताओ कौन सा है विवास। इन तीनों में से कल्चरल डे हो गया। हाँ, ये तो मुझे थोड़ा बहुत याद रहेगा, फिर ये मुझे पुराना लग रहा है, यही होगा फिर। हाँ, यही इधर दे, तुक्के मारे तुमने, तुक्के मारे, ये पकड़। ये है मेरी शादी का ड्रेस व्यूअर्स, ये है, ये देखे इसकी हालत ये हो गई है। ये क्या किया है? ये 1900 का हो गया। इसके ऊपर क्या गिगे मारी है क्या? ये इस पे कुछ गिरा है, धुला हुआ नहीं है,
ये देखिए, ये मैंने खुद बनवाया था एयरलाइन फ्रॉक, और इसका दुपट्टा, एक मिनट, इसका दुपट्टा कहाँ गया, इसका दुपट्टा कहाँ गया, ये रहा ये, अभी तो इसको पोछे में इस्तेमाल कर दे। ये है इसका दुपट्टा, इसका दुपट्टा, ये है मेरी शादी का जोड़ा जो मैंने पहना था। अगर पता होता ना कि तू ऐसा निकलेगा, मैं तुमसे शादी नहीं करती। तो व्यूअर्स, ये था मेरा ड्रेस, और सिकंदर को कुछ भी याद नहीं है, ये टुक्के लगाता है, और फिर जब इसने रेड कलर देखा तो हमें, फिर इसने कहा नहीं ऐसे ही हमारे सर में लगी है तो हमें कुछ याद रहेगा क्या। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ इसका डिजाइन। कौन सा डिजाइन, तो कुछ भी नहीं है। ये लेस मैंने ली थी, ये देखे 400 रुपए वॉल की, ये सिंपल है, शिफॉन का है, और ये दुपट्टा, दुपट्टा देखें, ये मैंने खुद डिजाइन किया था। ये दुपट्टे को भी ऐसे लेस मैंने लगाई थी, कहाँ गया, ये देखें। और ये मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी, ये था मेरी शादी का जोड़ा। अब इसको रखते हैं यहाँ पे, ये था मेरा वेडिंग ड्रेस, ये तो इसको कुछ भी याद नहीं है, ये खटारा हो गया है मेरा मियाँ, इसको कुछ भी याद नहीं है सिवाय अपने फ्रेंड्स के और मराठी फिल्मों के। तो क्या करूं मैं ऐसा, आप सबके भी मियाँ ऐसे हैं, एक तो उनकी मेमोरी लूज हो गई है, जैसे ना वो मोबाइल में रिस्टोर करते हैं, ऐसा कोई इनका बटन ही नहीं है कि इनकी मेमोरी वापस आ जाए। तो ये था आज का ब्लॉग, ये देखें, आई होप आपको ये मेरी शादी का ड्रेस पसंद आया होगा। कल वाले ब्लॉग में शायद मैं ये पहन के आपको दिखाऊंगी भी, या आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं ये जोड़ा पहन के आपको दिखाऊं, फिर से दुल्हन बनूं या ना बनूं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाश्ते में क्या क्या है, ये हलवा, ये वो हलवा, ये पूरी, तो ये मेरा है, ये दो असद का है, असद ले सट, आ जाओ, अभी हम खा रहे हैं अपना नाश्ता। सबसे पहले मैं चखूं, गुड, मम्मा पहले एक वो अंकल खाना बनाते थे वीडियो में, एक बुड्ढा अंकल होता था, वो क्या करते था, जी पापा जी, हाँ तो पापा जी कैसा लगा, ओम बशर पुत्र, बस बहुत अच्छे छोले हैं सिकंदर लाया है, सिकंदर ने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मुझे जुकाम है, मुझे सिंपल पराठा घर का बना के दो। इतना नाटक, ये तो मेरा फेवरेट है हलवा, एक हलवे का, और यहाँ पे मैं नाश्ता अपना कंप्लीट कर रही थी जल्दी जल्दी से, और वीडियो को मैंने स्पीड पे रखा है ताकि आप बोर ना हो सके और एंटरटेन हो सके इस क्लिप से। तो अभी करते हैं ब्लॉग एंड, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा टाटा।